वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे सर्कल का, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन में सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये जैसे मॉड्यूल वन का है, ठीक है, फिर ये मॉड्यूल टू थ्री भी आएगा। तो ये जो मॉड्यूल वन है इसमें बिल्कुल बेसिक 11th एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, तो बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, ठीक है। फॉर्मूलाज वगैरह यहीं पे रिकॉल हो जाएंगे, तो ये काफी सिंपल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फौरन से बना लो मॉड्यूल वन को, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, तो मैं बस इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद मॉड्यूल टू और थ्री आएगा, तो थोड़ा वो अप स्किल्ड रहेगा, तो उसमें भी आप काफी इंजॉय करेंगे। सर्कल ऐसे भी हम लोगों का फेवरेट होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, देखो जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2, 5 एंड रेडियस 5 यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग बहुत सारा सर्कल का इक्वेशन जानते हैं, है ना। जैसे मान लो कि अगर सेंटर आपको गिवेन है, सेंटर मान लो मेरे को गिवेन है अल्फा बीटा, ठीक है, सेंटर है ये, और रेडियस जो है आपका रेडियस आर है। तो ऐसे केस में जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आर यहां पे देखो रेडियस हो गया, और अल्फा और बीटा जो है वो क्या हो गया, वो आपका सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लो कोई सर्कल आपको दिया हुआ है, तो आप देख करके पता कर सकते हैं कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है। ये तो हो गया एक। अगर यहीं पे जैसे एक स्टैंडर्ड सर्कल होता है हमारा, जिसमें सेंटर क्या हो जाता है, सेंटर आपका हो जाता है ओरिजिन, यानी जीरो जीरो। तो जीरो जीरो हो गया, यानी अल्फा और बीटा दोनों अगर जीरो हो जाए, तो सिंपली ये जीरो ये भी जीरो, तो आपका ये फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सेंटर जीरो जीरो है और रेडियस आर है, तो ये हो जाता है। ये सब आप पहले से जानते हो, मैं जस्ट एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये दो सर्कल हो गए। एक और जो सर्कल, जो जनरल सर्कल होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, तो जनरल इक्वेशन होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। अगर मान लो ये जनरल इक्वेशन है, तो यहां पे इस जनरल इक्वेशन को देख करके आप सेंटर पता कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर क्या होता है इसका, इसका होता है माइनस जी और माइनस एफ, ये सेंटर हो जाता है। और रेडियस इसका क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है इसका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, ठीक है। सारी बातें आप पहले से जानते हो सर्कल के बारे में, ये बेसिक चीजें बिल्कुल आपको आना ही चाहिए। तो अब देखो यहां पे सर्कल में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, ऑलवेज सेम रहता है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे 1, 1 है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1, 1 ही होता है, लेकिन अगर सेम रहेगा तो हम उसको कॉमन लेके हटा सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो स्टैंडर्ड केस में 1, 1 और जनरल केस में जब भी होगा सेम रहेगा, जो एक्स स्क्वायर का रहेगा वही वाई स्क्वायर का रहेगा, यही बात है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्विकली आपका बनने वाला। जैसे यहाँ पे देखो आपको सेंटर दे रखा है भाई और रेडियस दे रखा है, यानी मैं ऊपर वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू रेडियस फाइव का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस 25 इक्वल टू 25, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो बच रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को आप एक साथ कर सकते हो, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन वाई, ठीक है जी, माइनस फोर एक्स माइनस टेन वाई और प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप देख लीजिए, तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है, आप सब लोगों ने बना लिया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो करेक्ट आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। टू बोलता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस, ठीक है। अब देखो ये जो है जनरल फॉर्म से आपका बन जाएगा, अगर आप इससे कंपेयर करें तो इससे कंपेयर करके ही आपको पता चल जाएगा कि आपका माइनस जी या माइनस एफ क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो कैसे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे टू जी के प्लस में क्या है, तो अगर आप कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, टू जी के प्लेस में माइनस फोर है, ठीक है जी, और टू एफ के प्लेस में माइनस टेन है। यहां से आपका क्विकली जी क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो अब सेंटर क्या होता है हमारा, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, जैसा मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो माइनस जी, तो यहां पे जी माइनस टू है, तो ये प्लस टू हो गया और ये आपका हो गया प्लस फाइव। तो देखो ये मैं समझा रहा हूं, बट आपको लगता होगा कि ये तो लॉलीपॉप है, आप बिल्कुल ये तो देख के ही पता कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे फाइव हो गया, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग है ही, प्रैक्टिस है, उसी से करना है आपको। बस मैं जिनका बिल्कुल छूटा हुआ होगा उनको समझा दे रहा हूं, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है।
आगे देख लेते हैं फिर क्या है। अभी देखो यहाँ पे फिर से फाइंड द रेडियस, ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस बोल रहा है। यहाँ पे तो वही सर्कल है जैसा ऊपर में था, तो क्विकली देख के पता कर सकते हैं। अगेन वही कि जी माइनस टू होगा और यहाँ से एफ क्या होगा आपका माइनस फाइव होगा, ठीक है, जस्ट हाफ होता है, टेन का हाफ, फोर का हाफ कर दिए तो वहां से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी क्या है, तो सी आपका फोर है, तो रेडियस क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर, एफ का स्क्वायर आपका 25 और सी आपका प्लस माइनस फोर, ठीक है। तो फोर फोर कैंसिल हो गया, रूट 25 का स्क्वायर यूनिट 5 होगा, सो यहाँ पे आपका 5 क्लियर हो गया। तो काफी सिंपल है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू 59 एंड सेंटर एट 25, ठीक है। तो सेंटर मेरे को दे रखा है, सेंटर मेरे को दे रखा है और बोलता है वो इससे पास करता है, ठीक है। तो ये भी देखिए काफी जल्दी बन जाएगा, कैसे हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सेंटर हमारा क्या होता है, सेंटर हमारा होता है माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है जी, ये सेंटर होता है। तो यानी जी मेरा क्या है माइनस टू है और एफ मेरा क्या है माइनस फाइव है, ठीक है। टू तो टू माइनस जी हुआ तो जी आपका माइनस टू हो गया, एफ अगर आप फाइव अगर माइनस एफ है तो आपका एफ माइनस फाइव हो गया, ठीक है। अब देखो जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ओके। अब इसमें इसको इसको पुटअप कर देते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव वाई, ठीक है जी, प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब मेरे को सिर्फ सी चाहिए, यहाँ टेन हो जाएगा, फाइव रखेंगे तो ठीक है। चलो अब चलो सी चाहिए, तो सी को कैसे पता करेंगे, तो ये इससे पास कर रहा है फाइव नाइन से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो फाइव नाइन को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो चलो पुट कर देते हैं, तो वन इम्प्लाइज आ जाएगा एक्स के प्लेस पे फाइव डाल दो, वाई के प्लेस पे नाइन, तो 2581 राइट, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90 प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब आप देख सकते हो 81 और ये 25 हमारा हो गया 6 और 106 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 1110 प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सी क्या आ जाएगा, तो 110 माइनस 106 यानी आपका 4 आ जा रहा है। अब इस 4 को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए सी के प्लस में, ठीक है, तो आपका यही हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टेन वाई प्लस फोर, ठीक है। तो देख सकते हो काफी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखिए इसके बाद फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्या बोलता है, इफ ए सर्कल पास थ्रू 20 एंड 04 एंड सेंटर एट एक्स एक्सिस देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है। सर्कल देखो ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर क्या है उसका एक्स एक्सिस है। देखिए सेंटर अगर एक्स एक्सिस होगा तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर होगा वो कैसा हो जाएगा जी, तो सेंटर हो जाएगा एक्स जीरो, इस फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, राइट। अच्छा तो अब हमको सेंटर मिल गया ऐसा कह सकते हैं, तो मेरे को एक्स का वैल्यू चाहिए और रेडियस चाहिए, तो बहुत तरीका है, आप जनरल इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि चूंकि एक्स लेते ही हैं तो एक्स लेना बेटर नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है, अल्फा जीरो। तो अब ये बताइए, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, क्या है इसका रेडियस, इसका रेडियस आर है, तो इक्वेशन क्या आएगा सर्कल का, तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हो, जेनरल वाला इक्वेशन लेके ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाई माइनस जीरो किया क्योंकि ये जीरो है ना, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब देखो ये जो है आपका बारी बारी से, एक तो टू जीरो से पास करता है, टू जीरो से पास करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका टू माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस अब यहाँ पे आप जीरो डाल दिए तो जीरो इक्वल टू आर स्क्वायर, एक तो ये इक्वेशन बन गया, ओके। तो एक फिर ये जीरो फोर से पास कर रहा है, अगर मैं एक्स को जीरो डालता हूं तो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया इक्वेशन वन, ठीक है। अगर जीरो डालेंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे जीरो डालिए तो बचेगा माइनस अल्फा का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे फोर पुटअप कर देंगे तो प्लस फोर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन वन और टू आपके पास में है, यहां से आपको अल्फा भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं बाई वन एंड टू, तो एक और दो से आप देख सकते हो कि ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो यानी ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, यानी क्या, यानी टू माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। इसको खोलिए, फोर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है अल्फा स्क्वायर और फोर दोनों ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा सॉरी, इधर सिर्फ फोर है ना, एक मिनट, ठीक है चलो। तो अल्फा स्क्वायर सिर्फ आपका कैंसिल हो रहा है, अच्छा तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है मेरा इधर फोर है जी, तो फोर इधर आपका सिक्सटीन है, ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू
16 माइनस फोर यानी 12, तो अल्फा हमारा क्या आ जा रहा है, माइनस थ्री आ जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा माइनस थ्री आ गया आपको, तो आपको सेंटर यहां से मिल गया डायरेक्टली, सेंटर क्या हो गया माइनस थ्री जीरो, ठीक है। बट हमको रेडियस पूछा है, तो रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, जैसे यहां पे पुट अप कर दीजिए तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पुट अप करेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस फोर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या हो जा रहा है, इधर आपका हो जा रहा है नाइन प्लस 16 यानी 25, ठीक है। तो 25 इक्वल टू आर स्क्वायर आ रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जनरल तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा फास्ट हैंड भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको इस मिजान से बता रहा हूँ कि आप आराम से सर्कल लेकर के पॉइंट को सेटिस्फाई करके सोल्व करके निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। ओके, आगे देख लेते हैं फिर क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 को खुद से ट्राई करने की कोशिश करूँ, ठीक है, डेफिनेटली बनने ही वाला ये क्वेश्चन। अच्छा, ये तो बिल्कुल बनना चाहिए क्योंकि इस बार वही क्वेश्चन है, बट सेंटर क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो सेंटर अगर वाई एक्सिस में है तो कैसे होगा, तो वाई एक्सिस में है तो ये जीरो बीटा फॉर्म का होगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सेंटर क्योंकि वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट जीरो और कॉमा बीटा फॉर्म का होता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया सेंटर, तो सेंटर आपको पता है, मान लेता हूं मैं रेडियस आर है, रेडियस क्या है आर, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, चूंकि पहला कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है, प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब देखो ये फोर जीरो से पास करता है, तो एक्स के प्लस पे फोर, वाई के प्लस पे जीरो डाल दो, तो हो जाएगा क्या 16 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन वन, ठीक है। फिर इसको डालो, ये जीरो टू से पास करता है, तो एक्स को जीरो और वाई को टू, तो एक्स को जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका टू माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन टू। अब ये आर स्क्वायर आपका दोनों जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा, सो 16 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस बीटा स्क्वायर, राइट। खोल दीजिए 4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, ओके, बीटा स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ जा रहा है माइनस 4 बीटा इक्वल टू आ जा रहा है 12, तो बीटा इक्वल टू माइनस 3, ठीक है जी। तो हमको वो पॉइंट मिल गया, सेंटर क्या हो जा रहा है जीरो और माइनस 3 हो जा रहा है, ठीक है। अब ये बीटा का वैल्यू पुट अप कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पुट कर देते हैं आपको रेडियस मिल जाएगा, तो 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 16 प्लस बीटा यानी माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 16 प्लस 9 यानी 25, तो अगेन आर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन था, तो हमको लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन करने में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन करना पड़े तो आप चुटकियों में कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है जी, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो 7 नंबर, चलो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। 7 नंबर में देखिए बोलता है कि आपका जो पॉइंट है 1 4, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल के बाहर अंदर या क्या, ठीक है। तो देखो ये काफी इजी होता है, इसमें मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आपको बोलता है कि जो पॉइंट है 1 4, ये लाई करेगा इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आइदर इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो देखिए ये सर्कल है ना, याद रखिए जैसे सर्कल कोई भी मान लो, बहुत आसान तरीका होता है, उसमें एक सेंटर होगा, ठीक है। अब जो भी पॉइंट है वो पॉइंट आप लेंगे, हाँ, जैसे मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका सेंटर निकालना काफी जल्दी निकाल पाओगे आप कंपेयर करके, यहां से आप देख सकते हो इसका आधा माइनस 1 हो जाएगा, इसका आधा आपका माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेंटर होता है वो क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ फॉर्म का होता है, तो फिर से माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 आ गया सेंटर, ये काफी जल्दी आप निकाल लेंगे। तो सेंटर आपको पता है 1 2 है, और पॉइंट आपको पता है क्या है 1 4 है, ठीक है, 1 4। इन दोनों का आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब सिंपल लॉजिक है, ठीक है। हम जो डिस्टेंस निकालेंगे पीसी, अगर वो रेडियस के इक्वल आ गया, तो यानी कि पॉइंट क्या है आपका जो है पेरिफेरी पे है, तो पी क्या होगा, पी लाई ऑन सर्कल होगा, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस निकालते हो और क्या आता है वो अगर रेडियस से बड़ा आ जाता है, तो रेडियस तो देखो इतना ही है ना, सेंटर से लेकर यहां तक, ठीक है, इससे बड़ा आ गया यानी क्या, यानी पी आपका आउटसाइड है, पी लाई आउटसाइड, ठीक है। और अगर डिस्टेंस आपका रेडियस से छोटा आ जाता है, जैसे ये रेडियस है इसका छोटा आएगा तो यानी अंदर आ जाएगा, ठीक है, आर से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, पी लाई इनसाइड, ठीक है जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो कुछ करना नहीं है, 1 4 और 1 2, ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका सेंटर सी है, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, पी सी यहां पे आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 - 1 जीरो का स्क्वायर और 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 2 का स्क्वायर यानी
टू आ रहा है, ठीक है। और रेडियस क्या है, तो रेडियस देख लेते हैं, तो सेंटर तो देख लिए थे, रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे देखो जी कितना है, जी आपका वन है, ठीक है जी, मेरा जी क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वन ही आएगा, ठीक है। एफ मेरा माइनस टू है तो इसका स्क्वायर फोर आ जाएगा, और सी, सी देखो सी आपका प्लस टू है तो माइनस टू हो गया, तो वन प्लस फोर फाइव माइनस टू, तो आपका जो आर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है रूट थ्री, ठीक है। तो रूट थ्री क्या होता है, 1.732 होता है, यानी जो मेरा पीसी आया है, पीसी क्या आया है, टू आया है, तो डेफिनेटली टू जो है वो क्या है, वो आपका आर से यानी रेडियस से बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, ठीक है। तो अगर रेडियस से बड़ा है तो वो क्या होगा, आउटसाइड लाई करेगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी नंबर रहेगा। बहुत सिंपल इस तरह का क्वेश्चन करना, ठीक है, काफी आसानी से आप क्वेश्चन इस तरह का कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है इसके बाद क्वेश्चन हमारा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट। एट नंबर बोलता है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4165 एंड हुज सेंटर इज लाई ऑन द लाइन, ठीक है। तो थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन आया कि एक सर्कल आपको निकालना है जो दो पॉइंट से पास करता है और जो जो उसका सेंटर है ना वो इस पे लाई करता है, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट बनेगा, आप ले लो जनरल सर्कल, ठीक है। जनरल सर्कल क्या होता है, अभी हम लोग किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। ये अब देखो इसमें जो ये दो पॉइंट से पास करता है 41 से और 65 से, ठीक है। 41 से पास कराइए तो मतलब क्या है, 41 सेटिस्फाई करेगा x के प्लस पे 4 y के प्लस पे 1, तो हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो 8g, यहाँ पे आपका 1 रखेंगे तो 2f प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से हम लोग का आ जा रहा है 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 16 और 1 आपका माइनस 17, ठीक है। चलो ये हो गया, दूसरा पॉइंट कौन है 65, अगर मैं 65 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो 65 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया 25, ठीक है। x के प्लस पे 6 रखिए और y के प्लस पे 5 रखिए, तो ये आपका आ जाएगा 12g, ये मेरा आ जाएगा 10f, ठीक है, प्लस c इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये 36 और 25, तो 2g प्लस 10f प्लस c, ठीक है, ये बच जाएगा और इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जा रहा है माइनस में 61, ठीक है, क्योंकि ये 61 होगा दोनों मिला करके, तो इधर आएगा तो माइनस में 61। अब मेरे को ये इक्वेशन को और इसको सोल्व करना है, ठीक है जी। तो नीचे ले आते हैं उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नीचे लिख देते हैं 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू क्या, माइनस 17, ठीक है, ये इक्वेशन वन था। इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस 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 ये प्लस, सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो 12g माइनस 8g आपका 4g बचेगा, ठीक है, 10f माइनस 2f आपका 8f बचेगा, और इक्वल टू इधर आपका माइनस 16 वन है और यहाँ पे हमारा क्या है 61 है और ये है हम लोगों का 17। तो यहां से हम लोगों को क्या बच जाएगा, यहां से हम लोगों को बच जाएगा 44, ठीक है, 44 बट माइनस में, ओके, क्योंकि 44 और 17 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, 4 को चाहो तो आप कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा जी प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 11, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो क्या बोलता है, सेंटर इस पे लाई कर रहा है, सेंटर इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर क्या है, सेंटर है मेरा माइनस जी और माइनस एफ, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स के प्लस पे माइनस जी और वाई के प्लस पे माइनस एफ, तो आ जाएगा आपका माइनस 4g माइनस एफ इज इक्वल टू 16, ये हो गया इक्वेशन 4, ये हो गया मेरा इक्वेशन 4, इसको लेके आइए नीचे में, ठीक है। तो माइनस 4g और माइनस एफ, ये क्या आ गया 16, आराम से काम करना है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो अब आप यहां पे देख पा रहे हो, ये मैंने कहां से लाया, ये मैंने यहां से लिया है, ठीक है, x के प्लस पे माइनस जी, y के प्लस पे माइनस एफ, क्योंकि सेंटर इस पे सेटिस्फाई कर रहा था। अब चलो इसको सोल्व कर देना है, तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, ये 2f है, इसको चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो ये माइनस 8g और प्लस जी, आपका माइनस 7g आ जाएगा, और इधर आपका माइनस 11 और यहां पे आपका 32, तो 32 और माइनस 11 हमारा आ जाएगा 21, ठीक है, क्योंकि ऐड किया है हम लोगों ने। तो अब यहां से देखो, यहां से आपका जो जी आ जा रहा है, ठीक है जी, चलो तो यहां से जो मेरा जी आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ जा रहा है माइनस 3। जी अगर माइनस 3 है तो एफ निकाल लीजिए कहीं से भी, तो एफ हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। जी अगर माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा एफ, तो देखो यहां से निकाल लेंगे तो 2f हो जाएगा हमारा माइनस 11 और प्लस 3 यानी माइनस 8, तो मेरा माइनस 4 आ जाएगा। तो जी और एफ दोनों आपको मिल गया, यानी आपको सेंटर मिल गया, ठीक है, तो काम हो गया भाई, सेंटर मिल चुका है मेरे को। अच्छा, अब सिर्फ सी निकाल लीजिएगा तो यहां से आपको पूरा सर्कल ही मिल जाएगा, जी और एफ तो मिल ही चुका है,
तो सी भी निकाल लेते हैं कहीं से भी, ठीक है। कहां से निकाल लें सी को, जैसे मैं यहां से सी को निकाल लेता हूं, ठीक है, इस इक्वेशन से। यहां से मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो जी और एफ क्या आया है, जी और एफ हम लोगों का आया है -3 -4, ठीक है। चलो -3 आ गया है और -4 आ गया है, इसको पुटअप कर देते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा माइनस आपका 24, ये हो जाएगा -8 प्लस सी इज इक्वल टू -17, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोगों ने जी का और एफ का वैल्यू रख दिया। अभी देखो ये आपका हो जाता है 32, तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा -17 और प्लस 32, तो फाइनली ये कितना आ जा रहा है हमारा 15, ठीक है, क्लियर है। तो देखो तो 15 आ गया, तो अब सी भी हमको मिल गया, तो हमको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो यहां से आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, अगर मैं यहीं पे पुट अप कर दूं इसमें, ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g, तो -6x 2f माइनस एफ 4 है ना, तो 8y और प्लस सी 15 = 0, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। तो यहां पे ये ऑप्शन आपको बी नंबर में दिख रहा है, तो यही हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो देखो जनरल सर्कल से भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट रिजल्ट भी आता है, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, अगर आप इससे करेंगे, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत सारा याद करने में कन्फ्यूजन होता है, तो वही रिजल्ट अच्छा है जो कि आपको कॉन्सेप्ट से लेकर के जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज ऑफ द सर्कल, ठीक है, इस सर्कल का मिरर इमेज निकालना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ओके। तो देखो अगर ये कोई सर्कल है, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है मेरा ना, तो इस सर्कल का मिरर इमेज निकालना है, यानी सर्कल का पहले इमेज क्या होगा पहले ये समझिए। तो सर्कल का जो इमेज होगा ना वो भी क्या होगा, वो भी आपका एक सर्कल ही होगा, ठीक है, और सेम साइज का होगा, क्योंकि मिरर इमेज निकालना है हमको, तो मिरर इमेज में क्या होता है, साइज चेंज नहीं करता है। और किसके रिस्पेक्ट में, तो एक लाइन है, ठीक है, ये आपका एक्स माइनस वाई प्लस 4 = 0, तो ये जो लाइन है लाइक मिरर है, इसके रिस्पेक्ट में ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, इमेज निकालना है। देखो मैं बहुत इजी बताऊंगा क्या तरीका रहेगा, जो इसका रेडियस है वही इसका भी रेडियस रहेगा, तो रेडियस का तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, साइज सेम रहेगा, सिर्फ सेंटर की बात है। तो सेंटर मान लेते हैं इसका, इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मान लेते हैं अल्फा बीटा है, ठीक है, तो इसका तो सेंटर मेरे को पता है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा आपका जी, आपका आ जाएगा -2 और यहां से आपका एफ आ जाएगा 1, ठीक है, तो -g - f होता है, ठीक है जी, तो -g और -f यानी आपका ये हो जाएगा, ये चूंकि जी -2 है तो ये आपका 2 हो जाएगा और f आपका हो जाएगा -1, तो ये आपका दिया हुआ है 2 - 1 है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जस्ट क्या होगा, ये जस्ट मिडिल पॉइंट होगा इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, ये मिडिल पॉइंट। तो अगर ये अल्फा बीटा है, ये 2 - 1 है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2/2, ठीक है, और कॉमा बीटा -1/2, यही आएगा ना, बात समझ में आ रही है। दो पॉइंट है, अच्छे से मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे क्या है, यहां पे है आपका ये जो पॉइंट है ये 2 - 1 है, 2 और -1, ठीक है, और ये आपका है अल्फा बीटा, तो दोनों का सेंटर क्या आ जाएगा, दोनों का मिडिल पॉइंट, तो अल्फा प्लस 2/2 आएगा, ठीक है, और बीटा बीटा -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अब ये जो भी पॉइंट आया है, ये पॉइंट क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, चलो इसको सेटिस्फाई कर दो, तो क्या है, तो एक्स हो जाएगा अल्फा प्लस 2/2 और माइनस वाई हो जाएगा मेरा बीटा -1/2, ठीक है, प्लस 4 = 0। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग ये देखेंगे कि यहां से क्या हो जाता है, चलो देखो यहां से आपका हो जाएगा 2 2, तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये 2 + 1 आपका 3 और प्लस 8 = 0 एलसीएम लेकर के, ठीक है जी। तो यहां से आप मेरा आ जा रहा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -11, ठीक है, ये आ गया। एक इक्वेशन हमको और चाहिए, मेरा काम हो जाएगा, वो कहां से निकालेंगे, देखिए तो एक चीज और है यहां पे जो समझने वाली है, वो ये कि आपने मिडिल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, मिडिल पॉइंट आप काम कर लिए, ओके। दूसरी चीज यहां पर यह है कि ये जो सर्कल है, तो ये जो लाइन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है सर्कल पे, यानी परपेंडिकुलर होता है, इसका जो स्लोप है, ठीक है, वो इसके स्लोप के क्या होगा, दोनों का मल्टीपल -1 होगा, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप क्या है, तो इस लाइन का स्लोप है, अगर हम लोग देखें तो क्या है जी, तो x माइनस वाई है, इसका स्लोप 1 है, ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इस लाइन पूरे का स्लोप हो जाएगा 2 - 1 है और अल्फा बीटा है, तो स्लोप आ जाएगा आपका इसका क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा -2, ठीक है। अब ये दोनों स्लोप का मल्टीपल क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए,
तो सिंपली क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बीटा प्लस वन बाई अल्फा माइनस टू, ठीक है, इंटू वन इक्वल टू माइनस वन। यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ जाएगा बीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन। अब ये दो इक्वेशन हो गए, हमको अल्फा बीटा निकालना है, सोल्व कर दीजिए। टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस टेन, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस फाइव। अल्फा अगर माइनस फाइव है तो बीटा क्या आ जाएगा, तो बीटा आपका आ जाएगा सिक्स, ठीक है। तो काफी जल्दी बन गया, अल्फा और बीटा दोनों मेरा निकल गया, तो काम खत्म हो गया। हमको चूंकि इसका सेंटर चाहिए था, सेंटर क्या आ गया है, सेंटर आ गया आपका अल्फा बीटा आया है यस माइनस फाइव सिक्स, ठीक है। तो माइनस फाइव सिक्स सेंटर होगा और रेडियस सेम रहेगा, इसका रेडियस क्या है देख लो, इसका रेडियस हो जाएगा आपका, ठीक है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो फोर प्लस वन और सी आपका माइनस फोर, तो रेडियस आपका वन है, ठीक है जी। तो अब देखो ये सेंटर और ये रेडियस, ठीक है, चूंकि रेडियस इसका वन ही आ गया, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर और इक्वल टू वन। तो एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। तो बहुत सिंपल बन गया, ठीक है, कुछ करा नहीं था, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओगे तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, टेन को कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर टेन हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलता है, सपोज एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स से इच इक्वल टू टू एंड एफ वन एक्स इक्वल टू जीरो ऑल्सो हैज इक्वल रूट्स इच इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे स्किल्ड किया गया एकदम लाइटली, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी बनेगा। देखिए एफ एक्स वाई को जीरो लिया गया है, तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये सर्कल है, तो सर्कल है यानी ये एफ एक्स वाई मेरा क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स वाई मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये सर्कल का हो गया जनरल इक्वेशन, इसी को हम एफ एक्स वाई बोल रहे हैं। अब ये क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि x1 यानी y को 1 कर दीजिए, तो एफ एक्स वन बन जाएगा, तो एफ एक्स वन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई को 1 कर दिया प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ प्लस सी इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो है ना बोल रहा है कि ये जो है इसका इक्वल रूट है और दोनों कितना है दो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एफ एक्स वन क्या है, एक्चुअली ये x का फंक्शन है, ठीक है, क्या है ये ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स वन मेरा क्या है x का फंक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, y तो हट गया यहां से, और इसका दो रूट है और दोनों रूट टू है, तो दो रूट, तो एक अगर मान लो दो रूट है तो उसको ऐसे लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और दोनों रूट अगर दो है तो यहां दोनों रूट क्या हो जाएगा, दोनों रूट आपका दो हो जाएगा, तो यहां पे भी दो यहां पे भी दो, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस टू x माइनस टू, तो यानी ये आपका हो गया x माइनस टू का स्क्वायर, ओके। अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है जी। तो यानी ये जो पूरा इक्वेशन आया है ये और कोई नहीं बल्कि क्या है इसके बराबर है, क्योंकि बोल रहा है कि इसका दो इक्वल रूट है, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब यहां से आप कंपेयर कीजिए, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो यहां से कंपेयर करने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, यहां से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो कंपेयर करने पर क्या आएगा जी, तो कंपेयरिंग कंपेयर करने पर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू जी एक्स आपका माइनस फोर एक्स है, यानी जरूर जी मेरा क्या होगा माइनस टू होगा, ठीक है, जी माइनस टू होगा तभी तो काम बनेगा ना, और वन, ठीक है, वन प्लस टू एफ प्लस सी, ये पूरा वन प्लस टू एफ प्लस सी ये पूरा कॉन्स्टेंट है, ये मेरा क्या होना चाहिए फोर होना चाहिए, जब ही तो ये पूरा इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यहां से आपको दो चीज मिल गया। इसी तरीके से अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है एफ वन एक्स, ठीक है, तो एक्स को वन कीजिए और वाई को एक्स कर दीजिए, ठीक है, तो एफ वन एक्स क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा एफ वन एक्स, हाँ, एक्स को वन और वाई को एक्स करना है, तो क्या आ जाएगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू जी प्लस टू एफ एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आ गया, ठीक है। अब बोलता है कि ये जो एफ वन एक्स है इसका दो रूट है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दिख रहा है हम लोग को और ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो इसका दो रूट है और दोनों जीरो जीरो है, तो यानी इस बार ये जो ऐसे बनाए थे अब क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे एफ वन एक्स को बनाएंगे ऐसे एक्स माइनस जीरो और एक्स माइनस जीरो, ठीक है। ये सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ये जो पूरा है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट है
किसके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो के, ठीक है जी, इसके। तो अब देखो, अब इसको कंपेयर करें तो यहां से यही ना होगा कि एक्स स्क्वायर आपका मैच कर रहा है, तो बाकी जितना है जैसे यहां पे एफ, तो यहां पे तो एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो एफ मेरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी ये जीरो होगा। अब बाकी जो कॉन्स्टेंट बच गया वन प्लस टू जी प्लस सी, ये क्या होना चाहिए, वन प्लस टू जी प्लस सी, ये आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर बचना चाहिए, बाकी सब जीरो। बात समझ में आ रही है? तो देखो जी भी मिल गया, एफ भी मिल गया, अब और हमको क्या चाहिए, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं तो जी एफ के बाद आपको सी चाहिए, तो सी निकाल लो, तो सी कहां से निकाल लें, ठीक है, तो यहां से निकाल लेते हैं सिंपली। यहां से अगर मैं सी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फोर में वन आ जाएगा आपका थ्री और माइनस टू एफ, और एफ मेरा जीरो है तो ये थ्री आ गया, ठीक है, कहीं से भी निकालो, यहां से भी वही आएगा, यहां से सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आपका आ जाएगा यहां से, माइनस वन माइनस टू जी, ठीक है, अच्छा जी का वैल्यू माइनस टू है तो माइनस वन और प्लस आपका हो जाएगा फोर, तो थ्री, देख रहे हो ना, कहीं से भी निकालेंगे तो सी आपको एग्जैक्ट वही आ रहा है, थ्री ही आ रहा है। तो अब कुछ करना नहीं है, जी मेरे को मिल गया, एफ मिल गया और सी मिल गया, तो हम इसको पुटअप कर देंगे इसमें, तो मेरा फाइनली इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, यहां पर लिख दीजिए, तो मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी, तो जी माइनस टू है तो ये आपका हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस टू एफ वाई, तो एफ आपका जीरो है तो ये हट गया, और प्लस सी तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां पे देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना था, तो थोड़ा सा स्किल्ड था लेकिन आसान था, ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। इसके बाद मॉड्यूल टू थ्री भी आएगा, उसको भी देखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से इसी तरीके से देखा होगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो कोई नहीं, कब का रिवीजन हो गया, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।